तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रघुवीर रावत पहाड़ी ब्लॉग, और स्वागत करते हैं उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो चलिए दोस्तों, जो लोग नदियों में आ रहे हैं नहाने के लिए, उनके लिए एक विशेष सूचना है, तो बने रहिए ब्लॉग में और दिखाते हैं आपको कि वो सूचना है क्या। तो भाई, ये एक मुख्य सूचना है शिला चौकी में जो नदियों में नहाने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो घर से बर्तन मांजने लेकर आ रहे हैं, दरी चटाई लेकर आते हैं पूरे फैमिली के साथ। देखिए, आइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आप करके जाते हैं ना नदियों में, खाना पीना खाने के बाद जूठा खाना पानी में डाल के जाते हैं और सारी गंदगी पत्तल वगैरह सब वहीं छोड़कर चले जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है जो हम प्रकृति के साथ करते हैं। नदियों से हमें पानी मिलता है शुद्ध पानी पीने के लिए, और नहाने के लिए शुद्ध जल मिलता है, सिंचाई का पानी मिलता है, और उसी के बदले में हम उनके साथ ऐसा गंदा व्यवहार करते हैं। नदी, हर नदी गंगा माँ है, तो उनको जो है सुरक्षित रखना हमारा काम है। और थानों रेंज के से आज यह एक सूचना प्रसारित की गई है और ये बोर्ड लगा दिया गया है दुकान के आगे, शिला चौकी में लगा हुआ है। यह क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र है, जंगलात में कूड़ा फेंकना, नदी में नहाना प्रतिबंध है। अगर कोई भी व्यक्ति आरक्षित क्षेत्र में मिलता है तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और ये अधिकारी का नंबर है, मोबाइल नंबर है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप ट्राई कर सकते हैं नंबर पर। और ये हकीकत है कि कार्रवाई होगी और बहुत तगड़ा जुर्माना होगा, ये सत्य है। तो जो लोग पकड़े गए तो बस ये है कि उनका खाना पीना सब बराबर हो जाएगा, क्योंकि बहुत गंद मचा दिया भाई, बहुत गंद। तो सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप नहा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ये गंदगी फैला रहे हैं ना भाई, तो फिर आपको तो फिर जुर्माना देना ही देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है, गौर कीजिए, ध्यान रखिए और संभल जाइए। तो भाई देखिए, नदियों में आप लोग आ रहे हैं, हम आते हैं, गर्मी हो रही है तो आप इसलिए नदियों की तरफ आ जाते हैं कि थोड़ा ठंडे ठंडे पानी में स्नान किया जाए और जो है नदियों में बैठकर थोड़ा इस गर्मी से राहत मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग घर से पूरी गंदगी लेकर चलें, खाने के डब्बे पत्तल और जो खाना बनाने का आइटम है वो सब, खाना पीना सब गंदगी जो बचती है ना भाई, सब पानी में डालकर चले जाते हैं शाम को अपने घर के लिए। सुबह आते हैं और अपना दिन भर नदियों में गंदगी फैलाएंगे, शाम को घर चले जाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छा वो नहीं है, क्योंकि प्रकृति जब दे सकती है ना तो फिर ले भी सकती है। तो इसलिए जो है प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, पानी प्रकृति की देन है, वो हमें शुद्ध पानी देती है। नहाने के लिए पानी मिल रहा है, पीने के लिए पानी मिल रहा है, सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, उसी पानी के साथ हम ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसी गंदगी फैलाएंगे तो उसका परिणाम हम ही लोग भुगतेंगे। वो आप लोग इस बार देख रहे हैं कि कितनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है और यह प्रकृति का प्रकोप आप सभी लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो संभल जाइए, अभी भी बहुत वक्त है। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए और नदियों में ये गंदगी मत फैलाइए। आज से जो है फॉरेस्ट ने बोर्ड लगा दिए हैं और कार्रवाई होना निश्चित है आप लोगों पर, जो उनके उनके सामने खाना बनाते हुए या दारू पीते हुए कोई वहाँ पकड़ा गया नदियों में गंदगी फैलाते हुए, तो फॉरेस्ट का जुर्माना बड़ा तगड़ा है और बचने का कोई उपाय नहीं है। तो भाई संभल जाइए, तो आज से जो है नदियों में गंदगी फैलाना बंद कर दीजिए। और जो घर से आप पान टपेरा लेके चलते हैं ना, पूरा बर्तन भांडे गैस चूल्हा वगैरह ये लाना बंद कर दीजिए। खाना बनाना नदियों के किनारे पूरी तरह से बैन कर दिया है, और जो हो हड़दंग होता था नदियों में, ये जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं उनको डिस्टर्ब आप लोग जो करते हैं ना, वो सब इसी कारण जो है अब नदियों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सख्ताई करने लग गया है, पर आप लोगों पर कार्रवाई होनी बिल्कुल निश्चित है। तो संभल जाइए और नियमों का पालन जरूर करिए। दोस्तों, खास जानकारी आप सभी लोगों के लिए थी कि ताकि आप लोगों को फिर कोई दिक्कत ना हो, तो दोस्तों नदियों में आने वाले सभी लोगों के लिए एक खास जानकारी थी। तो वीडियो को खूब शेयर करना ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि आज से नया नियम नदियों में लागू हो गया है और उसका पालन करना सभी लोगों को है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों को ये सूचना मिल सके और किसी को जुर्माना ना भरना पड़े। तो सतर्क रहिए, संभल जाइए और ब्लॉग को खूब शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में अगली सूचना के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।